हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बीसीए 6M मोबाइल कंप्यूटिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। जो भी लास्ट ईयर में लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। 2015 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपका पेपर मोस्टली टाइम क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से ही आता है। यहाँ पर सिचुएशन जो है चेंज हो गई है, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कोरोना की वजह से। तो जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, आपको यहाँ पर करने होंगे क्वेश्चन 5 की जगह क्वेश्चन 3, ठीक है। और आपका टाइम लिमिट जो है वो 2 आवर्स हो गया है, और क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी रहेगा और जो कि हर यूनिट से ही आता है, एंड आपको 2 यूनिट्स जो है पेपर में अटेम्प्ट करनी होंगी। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आया है कि जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यूनिट 1 में क्वेश्चन करना होता था आपको, जैसे यहाँ 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और उसी तरह से इन्होंने क्या करा, जैसे 2 क्वेश्चन है तो 2 का ए पार्ट बना देंगे और 2 का B पार्ट बना देंगे, ठीक है। तो 12.5 का ये हो जाएगा एंड 12.5 का ये। उसी तरह से जैसे 25 मार्क्स पेपर आपका सेम रहेगा, ठीक है, 75 मार्क्स का ही रहेगा, बट यहाँ पर क्वेश्चंस आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहेगा एंड बाकी आप 2 यूनिट से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये 2019 का पेपर आप देख सकते हैं किस तरह का आया हुआ है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 2019 का पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरह का आपको पेज दिया जाएगा, उसकी आपको कोडिंग लिखनी रहेगी। तो अगर आपको WML की जितनी भी कोडिंग्स वगैरह देखनी है, आप हमारा जो प्लेलिस्ट इसकी WML ट्यूटोरियल की चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट 4 भी आप देख सकते हैं, ऑपरेटर आया हुआ है, ऑपरेटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, उसी तरह से और भी ऑपरेटर्स होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे अब 2018 का पेपर, ठीक है। तो 2018 में भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है 2019 से भी रिपीट हुए हुए आए हुए हैं यहाँ पर। सो यूनिट 1 मल्टीप्लेक्सिंग जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट ईयर से, उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट 3, 4 के भी क्वेश्चंस, जैसे कि इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और एक आधा प्रोग्राम भी आपको मिल सकता है WML का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और, WML डॉक्यूमेंट प्रोलॉग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैक्स, तो बहुत ही सिंपल है ये भी, आप हमारी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं आप 2017 का एग्ज़ाम। 2017 के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी रहता है, ये सारी यूनिट से ही आता है, मतलब ऑल यूनिट्स 4 यूनिट्स से ही आता है। यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग आप देख पा रहे हैं जो कि हमेशा रिपीट हो रहा है। जो बच्चा भी यूनिट 1 अटेम्प्ट करना चाह रहा है वो मल्टीप्लेक्सिंग और उसकी टेक्निक्स को ज़रूर रिवाइज कर ले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FSK, PSK, AFSK एंड APSK, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे मैंने भी आपको लास्ट पेपर में WML इवेंट्स बताए थे, उसी तरह से WML टास्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गो प्री वी सारे आप देख सकते हैं WML ट्यूटोरियल की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यूनिट 4 से यहाँ प्रोग्राम है, ठीक है, तो प्रोग्राम्स भी आने की उम्मीद है, जो हर चेक कर सकते हैं, हर ईयर में एक प्रोग्राम ज़रूर आया हुआ है। ऑपरेटर्स भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स भी रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 2016 का पेपर, ठीक है। तो 2016 के एग्ज़ाम के अंदर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, एक ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है स्प्रेड स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है, ठीक है, और एक हिडन टर्मिनल्स एक्सपोज टर्मिनल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर करें जो हर ईयर में रिपीट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था मल्टीप्लेक्सिंग, अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है यूनिट 1 से तो मल्टीप्लेक्सिंग को ज़रूर करें, बिकॉज उसकी टेक्निक्स उसकी टाइप्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हिडन टर्मिनल्स एक्सपोज टर्मिनल्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट आप एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, GSM का आर्किटेक्चर भी आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर WML के अंदर टास्क एंड इवेंट जो कि रिपीट हो रहा है ये ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम जो है हमेशा आता है, देखो आप देख सकते हैं एक्सप्लेन WML स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर 5 मार्क्स का, तो आप 1 या 2 एग्जांपल उसमें बता सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम एक ज़रूर आएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट 4, इसकी यूनिट 4 के अंदर आप देख सकते हैं WTA, दैट इज़ वायरलेस टेलीफोनी एप्लीकेशन, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट ईयर का देख लेते हैं 2015, ठीक है। 2015 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह से कंपलसरी रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर अगर कोई मोबाइल सिस्टम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोच रहे तो मिडलवेयर के फंक्शंस ज़रूर कर ले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 2 W
टीपी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट यूनिट थ्री, यूनिट थ्री में आप देख सकते हैं इवेंट हमेशा आया हुआ है, हर ईयर के पेपर में हमने इवेंट को देखा है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैक्स भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड प्रोलोग एंड बॉडी, ये भी लास्ट ईयर से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप इन प्रीवियस क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो आपको पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर WML स्क्रिप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं WML स्क्रिप्ट के बाइट कोड आया हुआ है, फंक्शंस, डेटा टाइप, स्ट्रिंग्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर हमने 2015 से 2019 के सारे एग्जाम्स एक ही वीडियो के अंदर देखे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।